येलो कलर लेंगे। एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच दे देंगे। अब एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाएंगे, क्रोशिया में दो बार धागा लेंगे और ये रिंग में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक बार धागा निकालें, फिर एक बार निकालें, फिर एक बार निकालें, हर बार दो दो धागे निकालते जाएंगे। फिर एक दो तीन चेन, क्रोशिया में दो बार धागा लेके एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर क्रोशिया में दो बार धागा लेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चैन लेंगे, क्रोशिया में दो बार धागा लेके एक ट्रिपल क्रोशिया। ऐसा हमें सात स्पेस बनाना है। तो देखिए चार बन गए हैं। तीन बार धागा लेंगे, चैन लेंगे और दो बार धागा लेके एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, क्रोशिया में दो बार धागा, एक ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, स्पेस को काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए। अब लास्ट वाले में तीन चैन लेंगे और यहाँ पे इसको, यहाँ से जो हमारी चौथी चेन है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे एक स्लिप स्टिच के साथ। ठीक है, इस तरीके से अब इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। अब देखिए ये मैं आपको ऑरेंज कलर में बता दे रही हूँ, इसलिए ये हमें रेड में बनाना है, बट मैं आपको ऑरेंज कलर से बता रही हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये ऑरेंज कलर लिया और इस वाले स्पेस में, किसी भी स्पेस में आप इसको धागे को अटैच कर लीजिए। ठीक है, ऐसे दो चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट हो गई। अब इसी में आपको देखिए इसी स्पेस में ये दूसरा डबल क्रोशिया हुआ, तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, अब यहाँ आएंगे, ये जो नीचे चेन है ये वाली, इसमें आएंगे और यहाँ पे फिर से आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, आठ डबल क्रोशिया हुए। अब इसको देखिए यहाँ जो हमारे ऊपर वाली जो चेन है इसमें लाके एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब फिर दो चेन लेंगे और इसके अंदर फिर से आठ डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक हमारा हो गया, सात बनाने हैं। तो ये हमारे तीसरा डबल क्रोशिया हुआ, चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, पाँच एक दो तीन छः हो गए, सात और ये आठ। अब इस वाली चेन में आएंगे, नीचे वाली में, यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया। बहुत इजी है बनाने में, एकदम आसान है।
चार पाँच छः सात और आठ। फिर ऊपर आएंगे, ये जो हमारे ऊपर रिंग का वॉल है इस पे लाके एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से शेप आती जाएगी। फिर यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और इसमें आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले चेन में आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन पाँच छः सात आठ। फिर आएंगे ऊपर, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया दे देंगे। इसी तरीके से ये सभी रिंग में बनाना है, बहुत ही आसानी से बनता जाएगा। ऐसे ही मैं पूरे में बना लूँगी और हमारा फ्लावर तैयार है। ये देखिए इसको ऐसे ही करते हुए बनाएंगे तो हमारा ये वाला जैसे हमने ये फ्लावर बनाया है ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बना के हम इसमें अटैच कर देंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे अटैच करना है, तो मैं इसको सिंपली एक सुई धागे से इसको सिल दूंगी यहाँ पे एक बीड्स लगाते हुए, या बीड्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और यहाँ मैं डेकोरेट कर दूंगी पॉम पॉम लगा के, या बीड्स से किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट करना है तो मैं इसको करके आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए पूरा बन के कम्प्लीट हो गया है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और यहाँ आ जाएंगे नीचे। देखिए ये जो हमने ये फ्लावर बनाया है इसके बीच में खाली स्पेस है एक यहाँ पे, तो इस रिंग में हम इसे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार चैन, और अब फिर ये ऊपर आएंगे, ये जो हमने लीफ बनाए हैं इसके बीच में ये इस वाले स्पेस में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक दो तीन चार चैन, फिर नीचे जाएंगे ये रिंग के बीच में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पे। फिर एक दो तीन चार चैन, फिर ये लीफ के बीच में सिंगल क्रोशिया ऐसे। फिर एक दो तीन चार चैन, फिर ये रिंग के बीच में एक बार हमें नीचे बनाना है एक बार ऊपर बनाना है इस तरीके से। एक दो तीन चार चैन, फिर ये लीफ के बीच में एक सिंगल क्रोशिया। एक दो तीन चार, ये पूरा काम हम पीछे की साइड कर रहे हैं। फिर एक दो तीन चार चैन, फिर ऊपर रिंग में बनाएंगे ये लीफ के बीच में, ठीक ना, यहाँ पे जहाँ हमने ज्वाइंट किया था। एक दो तीन चार चैन और फिर रिंग के बीच में, इसी तरीके से पूरे में हमें बनाने हैं, ऐसे ही पूरा बना लेंगे। ये देखिए मेरा बन के कंप्लीट हो गया पूरा।
धागा कट कर दिया है और ग्रीन धागा मैंने यहाँ अटैच कर लिया। अब इसको हम सीधी तरफ से बनाएंगे, यानी कि ऐसे रख के बनाएंगे। लीफ को ऐसे फोल्ड करेंगे और किसी भी एक पत्ती चैन में इसको अटैच करेंगे। ऐसे यहाँ पे लेंगे क्रोशिया में धागा और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। वही चैन में बन रहा है ये, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर ये चौथा डबल क्रोशिया, ये पांचवा हम जो है एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे तीन चार डबल क्रोशिया और एक बनाया हमने यहाँ पे ये वाला ट्रिपल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारे इसमें छह स्टिच बने हैं। अब इसके बगल वाली चेन, इस वाली चेन में आएंगे, ये इस चेन में आएंगे। ठीक है, चेन में आने से पहले हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और क्रोशिया में दो बार धागा डाल के यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने सीधी तरफ से बनाना है ताकि हमारे स्टिच सीधे दिखे। एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें चार डबल क्रोशिया, दो तीन चार पांच। तो ये पांच हम काउंट कर रहे हैं इसको भी लगा के, अदरवाइज ये हमारे चार डबल क्रोशिया हैं। अब इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हमारी एक लीफ दिखेगी इस तरीके। अब फिर यहाँ से इस वाले चेन में आ जाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर इसमें चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, दो तीन, एक चेन लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले चेन में आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया हो गए, एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे, इस वाले चेन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और इसी में चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये चार डबल क्रोशिया हो गए, एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, दो तीन, एक चेन लेंगे, फिर इसके ये सात वाली चेन में आ जाएंगे, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें सब चेन में बनाना है। दो तीन और ये चार, एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी लीफ बन के आती जा रही है, देखिए ठीक ना। इसी तरीके से बनाना है इसको, पूरे को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चैन में आने के लिए एक सिंगल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया,
दो, तीन, चार, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट वाली चेन में, इसमें यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा बन के कम्प्लीट हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ ये हमारा सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें इसको अटैच कर देंगे। देखिए ये वाले में इसमें एक स्लिप स्टिच देके अटैच करेंगे और एक चेन देके धागे को कट कर देंगे। बचा हुआ धागा जो भी है इसको हम अंदर एडजस्ट कर देंगे। और ये देखिए हमारे ये लीफ जो है बन के कम्प्लीट हो गए। इस तरीके से हमारा फ्लावर बन के कम्प्लीट हो गया। देखिए ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसे ही हमें जितने चाहे हम इसके फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बीड्स लगा देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसी के साथ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।